यूपी के जनपद बिजनौर में आदमखोर गुलदार का आतंक जारी, 5 लोगों को बना चुका है निवाला, पकड़ने को लगाया गया पिंजरा कबिंग जारी। बिजनौर में एक बार फिर आदमखोर गुलदार का आतंक फैलना शुरू हो गया है। यह आदमखोर गुलदार बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में करीब 50 किलोमीटर के दायरे में अब तक एक महिला और एक बच्चे सहित 5 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। गुलदार के आतंक के चलते लोगों में खौफ फैला हुआ है। वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है और अलग अलग टीमें बनाकर गुलदार की तलाश में कबिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन 5 लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद भी गुलदार का कोई पता नहीं लग पाया है। बिजनौर में नजीबाबाद से लेकर चंदक क्षेत्र को गुलदार ने अपना आश्रय स्थल बना लिया है। इसी क्षेत्र में रहकर गुलदार लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। पिछले 22 दिनों में गुलदार अब तक एक महिला और एक बच्चे सहित 5 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। शिकार हुए यह लोग वह लोग हैं जो गन्ने की फसल काटने अपने खेतों पर जाते हैं, वही मौका देखकर गुलदार ने अपना शिकार बना लेता है। 5 लोगों की मौत के बाद जिले के किसानों में खौफ पसर गया है। किसान अपने खेतों पर जाने से डरने लगे हैं। 5 लोगों की मौत के बाद अब वन विभाग भी जा गया है। वन विभाग ने इस क्षेत्र में पड़ने वाली माला नदी के किनारे गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा तो दिया है, लेकिन गुलदार की लोकेशन ट्रेस करने के लिए 4 अलग अलग ट्रैप भी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा वन विभाग की टीमें जंगलों में लगातार गुलदार की तलाश में कमिंग कर रही है और गुलदार की फुटप्रिंट भी उठा रही है ताकि पता लग सके किस शिकार करने वाला एक ही जानवर है या अलग अलग। फिलहाल गुलदार अब तक 5 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनौर, यूपी। सर, ये जो फॉरेस्ट टीम वर्क कर रही है, किस लिए कर रही है? और वो आज हम वो करना स्थल का, कल का करना स्थल का हम पूरा आया था, इसके आसपास एरिया कम्प्लीटली हम कॉम्बिंग किया, वो जानवर का मूवमेंट का कम्प्लीटली हम ट्रैकिंग किया। ट्रैकिंग करने के अलावा हम उसका पंजे का निशान पूरा होता है उसको हम ट्रेस कर रहा है, बाकी अदर घटना स्थल का भी हम ट्रेस करेंगे। सो दोनों कंपेयर करेंगे, कोई वो की सेम जानवर है और कोई दूसरी जानवर इधर रहे उधर दूसरी जानवर है, सो इसलिए हम उसका ट्रैकिंग प्लस ये पंजे का निशान का ट्रेस एंड POP भी यूज़ करके उसका हम परमानेंटली हम कर देंगे। फ्यूचर में भी उसका घटना स्थल सा कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसलिए कार्रवाई हम स्ट्रांगली कर रहा है, कॉम्बिंग कर रहा है कंप्लीट। सर, ट्रेसिंग पे पता चल पा रहा है एक जानवर है या उससे अधिक भी है? इस एरिया में एक ही जानवर है, हम अभी ट्रेस किया वो सेम है, उधर अभी माला नदी के किनारे वो देखा है ना, वो भी सेम जानवर है, ये भी सेम जानवर है। कितनी टीम वर्क कर रही है? हम अभी 3 टीम है, उधर एक टीम उधर 2 दिन पहले का करना हो गया, उधर एक टीम कर रहा है, इधर हम 2 टीम है।